हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम इन सर्च मी ऑल इन वन दुनिया। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है जी। तो आज हम बात करेंगे एक रिक्रूटमेंट के बारे में। जैसा आपके सामने है, महाराष्ट्र फूड इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट अनाउंस की गई है फॉर द एक्सरसाइज कॉन्स्टेबल और अन्य कुछ पदों के लिए। और इसमें बात करें तो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 345 हैं। 13 दिसंबर से यानी कि कल से ये ऑलरेडी एक्टिव है लिंक एप्लीकेशन के लिए, और लास्ट जो डेट है वो 31 दिसंबर है जी। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और आपको बताते हैं आज के टॉपिक के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या इस तरह की रेगुलर अपडेट चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आगे बात करें रिक्रूटमेंट इन फूड सिविल और कस्टमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के लिए जो पोस्ट है वो निकली है महाराष्ट्र में। आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेकआउट और अप्लाई कर सकते हो। 13 दिसंबर से ये स्टार्ट है। ऑफिशियल वेबसाइट है mahafood.gov.in पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट 345 है। सप्लाई इंस्पेक्टर की 47 पुणे में, जैसे नासिक में अलग अलग सिटी वाइज यहाँ पर दी गई है, तो ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद है क्लर्क की, फाइनेंशियल एडवाइज़र की, डिप्टी सेक्रेटरी की मुंबई में। एजुकेशन की बात करें, इसमें डिग्री होना चाहिए फूड टेक्नोलॉजी या फूड साइंस से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और इसके साथ साथ मराठी लैंग्वेज आना कंपलसरी है। ये ध्यान देना, ये खासतौर पर फिर जो महाराष्ट्र में रहते हैं उनके लिए ये हो गई, बाहर वालों के लिए मराठी लैंग्वेज आना बहुत मुश्किल है। एज की बात करें तो इसमें मैक्सिमम जो एज लिमिट है 43 है। अदर कैटेगरी के लिए कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। सिलेक्शन जो होगा वो कंप्यूटर टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। फीस की बात करें, जनरल के लिए 1000 है, SC ST रिजर्व कैटेगरी के लिए 100 रुपये है, PHL कैटेगरी के लिए कोई भी फीस नहीं है, निःशुल्क है। सैलरी की बात करें फूड इंस्पेक्टर के लिए 29,000 से लेके 92,000 तक है, जबकि जो क्लर्क लेवल की है उसमें 25,000 से लेके 81,000 तक सैलरी है। अप्लाई कैसे करना है तो ये आप देख सकते हो, ये नोटिफिकेशन है 30 पेज का, और जिसे मराठी लैंग्वेज आती है। नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन लिंक और वेबसाइट, तीनों लिंक आपको वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहां जाकर आप पोस्ट के लिए चेकआउट और अप्लाई कर सकते हैं जी। तो ये द नोट एप्लीकेशन लिंक, यहाँ पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई कर लिया है, अगर कुछ प्रोसेस पेंडिंग है तो लॉगिन करके कंटिन्यू कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम यूज़र हो तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे। यहाँ पे क्लिक करके आप जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं रिलेटेड टू पोस्ट। और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ आके आप पोस्ट और बाकी डिटेल चेकआउट कर सकते हैं जी। तो ये थी बेसिक डिटेल रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर आप कर सकते हैं। कुछ पॉइंट अगर मिस हुआ तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।